सो हे गाइस, व्हाट्स अप, की हाल चाल है? सब लोग सारे बताएंगे फाइव बिगेस्ट डेसेस डिस्ट्रैक्स आप कह सकते हैं पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के अज तक दे। लेट्स चेक इट। सब तो खतरनाक थे बड़े डिस्ट्रैक्स। ठीक है, मैं लग रहा है कि इस वीडियो के जी नवान ते प्रेम वाली गल हुई है वह भी कोई ना कोई जिक्र तो पक्का होएगा। लेट्स सी साइड। तो भाई इस वीडियो में बात करेंगे पंजाबी म्यूजिक के, खास करके पंजाबी हिप हॉप म्यूजिक के बेस्ट डिसेस, बेस्ट डिस्ट्रैक्ट्स कौन कौन से हैं। अब इनमें ऑब्वियसली मेरा पीओवी शामिल है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार है, लेकिन मैंने जितना हो सके वो जो चेक्स होते हैं बेस्ट डिस्ट्रैक्ट बनाने के लिए उन चेक्स को फिल करने की कोशिश करी है कि हाँ भाई पूरी तरीके से वैलिड बने। तो ये चीज है, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, तुम देखो खुद ही। बाकी भी सबसे पहले तो एक चीज क्लियर कर दूं कि किसी को भी सबलिमिनली डिस करने से किसी गाने में कुछ लाइनों में वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, फुल फ्लेज्ड डिस्ट्रैक्ट होना चाहिए। ट्रैक पूरा का पूरा एक डिस्ट्रैक में फॉल नहीं होता, ये उस कैटेगरी में नहीं आ पाएगा। तुम ऐसे, मुझे पता है बहुत सारे गाने कमेंट करने वाले हो कि भाई ये भी तो डिस था, ये अच्छा डिस था ऐसे से, लेकिन एक प्रॉपर डिस्ट्रैक्स की बात हो रही है यहाँ पे, है ना? तो थोड़ा सा प्लीज इस चीज को ध्यान में रखना। तो फिफ्थ नंबर पे मेरे हिसाब से जो ट्रैक या फिर ट्रैक्स आते हैं वो है नसीब वर्सेस सुल्तान ऑल डिसेस। मतलब कि नसीब और सुल्तान ने एक दूसरे के खिलाफ जितने भी डिस्ट्रैक्स निकाले हैं वो सारे बहुत हार्ड थे मैन, बहुत खतरनाक, वो सारे के सारे इस फिफ्थ नंबर में आ जाते हैं। अब मेरा मन तो था कि किसी एक स्पेसिफिक ट्रैक को डाल दूं यहाँ पे, लेकिन भाई सबका क्वालिटी एकदम सेम ही था, लाइक जितने भी डिस थे इस बीफ में सबका सेम सा ही था, लाइक जितने भी ट्रैक्स थे सब में ब्रूटैलिटी दोनों के साइड से बहुत खतरनाक थी, और कहीं कहीं थोड़ा सा लिरिसिस में या फिर रिपीट वैल्यू में वो लैक कर रहे थे। कुल मिला के इस बीफ के सारे ट्रैक्स बराबर में आते हैं, कोई भी ऐसा बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं था या फिर कोई भी ऐसा बहुत ही ज्यादा खराब नहीं था। खैर उस चीज की तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम तो बेस्ट डिस्ट्रैक्स की बात कर रहे हैं। बट कोई नहीं, हम अगले नंबर पे आते हैं। फोर्थ नंबर पे कौन से ट्रैक्स है या कौन सा ट्रैक है? सो भाई फोर्थ नंबर पे अगेन वैसे तो एक पूरी बीफ ही आती है प्रेम टेलो वर्सेस नवान संधू, बट तुम्हारा दिल रखने के लिए जो नया गाना है नवान संधू का सिट डाउन सन, इसे रख देता हूं। वैसे मेरे हिसाब में डिस्ट्रैक्ट नहीं है, वो क्यों उसका रीजन आगे बताता हूं। ओके, मतलब ये भी डिस्ट्रैक्ट नहीं है, बट ऐसा क्यों? लाइक ये भी नॉलेज ठीक है, चला जो कुछ नवा सीखने को मिलेगा पर सारा, क्योंकि आप तो यही सोच रहे थे ना कि नवान भाई ने प्रेम भाई को डिस करता है ना, लाइक वो ओके लेट्स सी। बट अभी मान लेते हैं, तो इस गाने में भाई ब्रूटैलिटी है ऑब्वियसली, अपनी तरफ से कुछ काउंटर्स भी है पिछले कुछ गानों के प्रेम के, बट थोड़े से फैक्ट्स की कमी है वो बात अलग है। हालांकि फैक्ट्स की उतनी जरूरत महसूस भी नहीं होती क्योंकि उन्होंने जो एलिगेशंस लगाए हैं वो काफी बड़े हैं, उन्होंने घोस्ट राइटिंग का एलिगेशन लगाया है कुछ लाइन में, तो वो चीज काफी हद तक उस चीज को पूरा कर देती है। बाकी रिपीट ना ये चीज भी हम देखते हैं कि मतलब कि प्रेम वालों भाई वालों कोई मतलब आता है डिस्ट्रैक अगों, कोई रिप्लाई आता है या नहीं आता, कोई इस चीज की क्लैरिटी भाई दूंगा या नहीं दूंगा। लेट्स सी। वैल्यू काफी ज्यादा है, इसे तुम बार बार सुन सकते हो, लेकिन एक चीज जो कमी रह गई मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वीडियो के साथ में आता है ना तो बहुत क्या सी ना, भावें तुम मैंने जो मर्जी कहते रहो कि तू इतना तेरी राय नहीं मैटर करती, तेरी वो नहीं मैटर करती, पर यह गल मैं स्टार्टिंग ही कहती सी रिएक्शन शुरू होने कि भाई वीडियो आनी बहुत जरूरी सी, वीडियो और विजुअल रिप्रजेंटेशन मैन, बंदा कनैक्ट होंदा, बंदा देखता उस चीज़ में ओ शिट। ठीक है, मतलब उस चीज़ में बंदा कनैक्ट होंदा। तुसी जाके ना एक लेटेस्ट मेरी कल एक वीडियो पाई सी मैं, अली किंग ने बनाई सी, उन्हें नवान ते प्रेम दे डिस दा ना लाइक ब्रेकडाउन टाइप जहा किया सीगा, उहदे च जाके देखियो लाइक ओ लिटरली लाइक वीडियो देख के हासा निकल गया है ना, मतलब उस तरीके नाल कि भावें आई ऑलवेज वांट टू बी अ न्यूट्रल परसन, बट वीडियो देख के हासा निकल जाता बंदे दा, यार बंदे नूं हो जांदा कि ओ शिट दैट वॉज ब्रूटल, वो चीज़ हो जाती है ना कि मैं साण वांगू वैरियां तो फिर चढ़ता, वो चीज़ दिखाओ तो सही कुछ तो करो यार, उन्होंने बहुत फर्क पैंता। मैं तो कहना जो हूँ अगे डिस चलते रहे तो कोशिश करो कि नवान बई भी वीडियो बनावे, जो भी बई की कोई टीम चो देखता हो बई आप देखता हो वीडियो जरूर बनाओ यार, उधर फर्क पैंता, ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इसका। सुबह ये है, मैंने तो इसे फोर्थ नंबर पे पूरी बीफ के हिसाब से रखा है कि पूरी बीफ ही फोर्थ नंबर पे, बट तुम एक ट्रैक को भी लगा सकते हो सिट डाउन सन को, बट मेरे हिसाब में डिस्ट्रैक नहीं है। वो इसलिए क्योंकि एक जो प्रॉपर डिस्ट्रैक होता है उसमें शुरू से लेकर एंड तक डिस ही किया गया होता है, यूं नहीं कि कोई एक नॉर्मल ट्रैक है उसमें दो तीन लाइंस में डिस कर दिया गया हो, उसे सबलिमिनली डिस करना कह देते हैं, जबकि इसमें भी सेकेंड और थर्ड वर्स में दो दो तीन तीन लाइंस में डिस किया गया है। बाकी गाना अच्छा है नो डाउट, इस चीज़ के लिए बेस्ट एग्जांपल वार्निंग शॉट्स का गाना है, वो ऑडियो में रिलीज हुआ था लेकिन फिर भी वो डिस्ट्रैक्ट्स में काउंट होता है। बाकी यार तुम्हें मानना ही है तो मान सकते हो यार, बिल्कुल मैंने तो मेरे हिसाब से मेरी नॉलेज के हिसाब से चीज़ बताई है। यार बहुत बड़ा एलिगेशन, लाइक तुसी कोई भी लाइन साइड तो रख दो
बट आ गोस्ट राइटिंग वाली एलीगेशन मैंने बहुत खतरनाक लगी, बहुत ज़्यादा। कोई भी जिम भाई खतरनाक, बहुत ज़्यादा। अब जैसे ना ये चीज़ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आगे और अच्छे से समझ में आ जाएगी। सो थर्ड नंबर पे आता है वार्निंग शॉट्स गाना। इसमें ना भाई पहली लाइन से लेके आखिरी लाइन तक रिप्लाई था लफाफे गाने का करण भाई के लिए और बाकी जो उनकी टीम है उनके लिए। तो दैट्स व्हाई दिस इज अ प्रॉपर डिस्ट्रैक्ट। और बाकी एक चीज में सबसे बड़ी खास थी लाइक मुझे जो बहुत पसंद है ना इस डिस्ट्रैक्ट की रिपीट वैल्यू बहुत ज्यादा है। yes. तो काफी ज्यादा इसे बार बार में। और बाकी जो डिस्ट्रैक्ट ना लेकिन डिस्ट्रैक्ट इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं है सिद्धू दा कि वो तुसी कर दे जे बैठ के नहीं सुन सकते। टैक्स की चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद आती है ब्रूटालिटी वगैरह उन सबसे आगे जो चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद आती है वो होता है कि फैक्ट्स एंड काउंटर्स की। तो दूसरे ने जो बोला है उनका काउंटर करो अपनी कॉम्पोजिशन में, यानी कि दूसरे की चेप दी सेम टू सेम वो चीज नहीं। तो उन चीज का काउंटर भी किया था लफाफे गाने का और साथ में अपनी तरफ से भी चीजें और नई जोड़ी थी कि हाँ भाई ये चीजें भी। तो इसलिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डिस्ट्रैक्ट ऑफ पंजाबी हिप हॉप ऑफ देसी हिप हॉप। असली खतरनाक असले दे नामा दी तू गल करदा पुत नेट तो नी पड़े डब्बा नाल लगे ने। इसके बाद हम भाई सेकंड नंबर के डिस्क की बात करते हैं जिसकी भाई रिपीट वैल्यू ना मुझे सबसे ज्यादा लगती है ऑल डिस्क सेकंड फोर्थ सबसे ज्यादा क्योंकि है ही इतना अच्छा यार। एक तो ये गाना है हिक मिच वजो करण भाई का और ने स्पेशल मेंशन के सेकंड नंबर पे उसे भी हिक मिच वजो गीता विच की होना आ गया जे जीजा तेरा फिर तू रोना ओके वाला की लाइक ऐसे लगा सकते हो 2.1 2.2 ऐसे। तो भाई तुम्हें अगर डिस्ट्रैक का वो बार फिल करना हो ना कि हाँ भाई फैक्ट्स भी है इसमें काउंटर्स भी है इसमें थोड़ी सी वो थीम भी मेंटेन कर रखी है मतलब कि जो थीम आपने गाने में पकड़ रखी है जैसे कि ये गाना थोड़ा डार्क थीम का था तो वो शुरू से लेके एंड तक वो चीज मेंटेन करके रखी हुई है क्योंकि वार्निंग शॉट्स में भी शुरू से लेके एंड तक चिल एंड क्लासिक वाइब मेंटेन करके रखी हुई थी वो भी इस मामले में बहुत बढ़िया। और इसमें भी डांस मेनू वैसे इदा लगता है कि शायद सिद्धू वाला दिस वाज वे हार्ड ठीक है बट एक विच वजो ओरिजिनल नहीं आया इस करके थोड़ा फर्क पे आ सकता बट खतरनाक सी गाने सच्ची थीम शुरू से लेके एंड तक मेंटेन करी हुई थी जो कि जरूरी है। और एक और चीज की भाई इस गाने की रिपीट वैल्यू बहुत ज्यादा है बेसिक डिस्ट्रैक्ट है लेकिन जितनी मर्जी चाहे बार सुन सकते हो मजा आ जाता है। और वो मैं कहता नहीं हूँ कॉम्पोजिशन किंग है करण भाई तो वो चीज बार बार प्रूव कर देते हैं वो। सो हाँ दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट डिस्ट्रैक्ट। अब आगे बात करते हैं आगे क्या है। बाकी 2.2 जो मैं बात कर रहा था वैसे तुम लगा सकते हो या फिर दोनों ही गाने सेकंड नंबर पे भी लगा सकते हो बट जो फर्स्ट पे है ना उस वजह से चक्कर पड़ गया क्योंकि फर्स्ट वाले ने इतना अच्छा सारा कुछ कर दिया ना कि इन दोनों ही गानों को मेरे को सेकंड पे ही फिट करना पड़ा। ओह फर्स्ट पे क्या है। सो हाँ कोई भी ऊपर नीचे नहीं है दोनों सेकंड पे ही है। सो भाई ये गाना है एफ देम ऑल क्या गाना है भाई यार ये ये दोवें गाने सेकंड नंबर पे आने अजे फर्स्ट नंबर अनाउंस होएगा फुल हिक विच बजो। और इसमें जो रिपीट वैल्यू है ना भाई डिस्ट्रैक्ट होने के बावजूद भी वो भाई मजा ही आ जाता है कितनी बार सुन लो बेसिक डिस्ट्रैक्ट्स है। अब ना कुछ लोग मेरा पॉइंट गलत प्रूव करने की कोशिश करेंगे जो प्रेम टलो एंड नमान सिंधु के बारे में बोला मैंने कि अभी तक कोई डिस्ट्रैक्ट ही नहीं आया सिर्फ सबलिमिनली ही डिस किया है। तो भाई बिल्कुल इसका भी जवाब दूंगा। अब इस गाने में ना सिद्धू भाई का पार्ट लगभग एक मिनट के करीब है तो उसमें से 30-40 सेकंड्स वाली लाइन सारे के सारे बार्स रिप्लाई ही होते हैं किसी न किसी पे शॉर्ट होते ही है। तो ये चीज भी है लेकिन इसके अलावा एक और चीज बाकी की जो 15-20 सेकंड बच जाती है उनमें भी उन्होंने इनडायरेक्टली डिस किया वो कैसे बताता हूँ। अगर इस चीज को सिट डाउन सन गाने में कर देते नवान संधु तो उसे भी मैं डिस्ट्रैक्ट्स में काउंट कर लेता लेकिन वो उन्होंने ऑडियो में ड्रॉप कर दिया। जैसे कि है ना जिन लाइंस में रिप्लाई नहीं कर रहे होते वो उसमें ना विजुअली वो रिप्लाई कर हाँ पीछे वीडियो चल रही होती है कि जो तो तुम पता ही स्टेज शो वाली गल हुई सारी गुरचाल ते प्रेम वाली रहे होते हैं। जैसे कि तुमने देखा होगा सिद्धू भाई के बैकग्राउंड में भी प्रेम टिलुआ एक झगड़ा हो गया था थोड़ी सी धक्का की लड़ाई होगी तुम्हें पता ही है तो उसे भी उन्होंने डाला था। तो जिन लाइंस में रिप्लाई नहीं हो रहा था उनमें विजुअली रिप्लाई किया गया था तो पूरी एक मिनट को उन्होंने रिप्लाई करने के लिए डिस करने के लिए यूज किया है तो इसलिए प्रॉपर डिस्ट्रैक्ट में फॉल होता है मेरे लिए। बाकी सारी चीजें तुम्हें पता ही है कि इसमें फैक्चुअल चीजें भी थी काउंटर्स भी थे अपनी तरफ से चीजें भी थी और लाइक रिपीट वैल्यू तो थी ही बहुत अच्छी। तो ये चीज है सेकंड नंबर पे हिकमत वजो एंड एफ देम ऑल ये आते हैं। बस आ गया बाकी फर्स्ट नंबर की बात करते हैं भाई
इसे ना वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिशेस तुम कह सकते हो, क्योंकि है ना नाउ दैट्स अ सिकंदर कालो। सनी माल्टन के लिए सिकंदर गालो ने पूरी की पूरी एक ईपी ट्रैक्स वाली ड्रॉप कर दी थी 2020 में। अब भाई इस ईपी में क्या नहीं था, फुल ऑफ डिस्ट्रैक्ट से भरी हुई है हार्डकोर ब्रूटैलिटी। देख लो इस ईपी को सुन लोगे तो तुम्हें लगेगा नहीं कि भाई इससे ज्यादा भी कोई ब्रूटल जा सकता है। पूरी ईपी इस मामले में बहुत अच्छी है, प्लस लिरिसिज्म सिर्फ ये नहीं है कि है ना उल्टा सीधा बोल दिया, ब्रूटल के साथ साथ में लिरिसिज्म भी है, प्लस फैक्ट्स भी है अपनी बात को प्रूव करने के लिए, प्लस काउंटर्स भी है। इस ईपी में टोटल 5 ट्रैक्स थे, रन टपरवेयर सॉरी फॉर रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन अगर कर दी होता AA52 स्क्रीनशॉट सनेस। भाई क्या ईपी बनाई है, डिस्ट्रैक्ट्स के मामले में तो है ही ये टॉप पे भाई, मुझे रखना पड़ेगा भाई एक्चुअल जो सोनी चीज थी सुनियो मजा बहुत आया, पूर कर दिया है भाई ये टॉप पे। बस हाँ ये थोड़ा सा कह सकता हूं कि रिपीट वैल्यू में थोड़ा सा वो लैक करते हैं, लेकिन रन गाने को भी मैं स्पेसिफिकली रख सकता था इसमें कि वो रिपीट वैल्यू में भी काफी आगे था। सो हाँ भाई मैंने इस लिस्ट को मेरे पीओवी के अनुसार मेरी थिंकिंग के हिसाब से बनाया है, पंजाबी हिप हॉप को पंजाबी म्यूजिक को लेके। अगर तुम चाहते हो कि हिंदी रैपर्स को भी इंक्लूड करो फिर उर्दू रैपर्स को भी, तो जरूर बताना, एक और बड़ी लिस्ट बना के ले आऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि तलहांजुम रैप डीमन का गॉन्टलेट 2.0 भाई क्या डिस्ट्रैक्ट है वो, उससे बेटर तो मुझे नहीं लगता कोई भी होगा, या फिर माँ कसम भी हो सकता है कृष्णा भाई का। तो अगर बताना माँ कसम वाज वेरी हार्ड, अगर हिंदी उर्दू रैपर्स को मिला के भी कोई वीडियो चाहिए तो जरूर बनाऊंगा मैं। बाकी इन 5 में से तुम्हारा फेवरेट कौन सा है? फेवरेट अपना तो भाई यार अपना तो आई सी एक विच वजो कैमल वार्निंग शॉट्स एक्चुअल गुड सी गाने यार बहुत गुड सी।